वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बकरीद स्पेशल मटन कौरमा, जिसके लिए हमें चाहिए मटन, जो मैंने लिया है आधा किलो वॉश करके मैंने ले लिया है। अभी मुझे चाहिए इसके लिए कांदा, जो मैंने चार बड़े कांदे लिया है, इसको छोटा छोटा कटिंग करना है फ्राई करने के लिए। तो हमें चाहिए, मैंने ये लिया है एक लहसुन, आठ हरी मिर्च, छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, दो टमाटर लिए हैं, एक बड़ा कांदा लिया है और थोड़ा कुछ लिया है गरम मसाला, जो ये है छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है, जायफल छोटा टुकड़ा लिया है, वन टीस्पून मैंने जीरा लिया है, छोटा टुकड़ा जामित्री का लिया है और 15 से 20 ली है मैंने काली मिरी। ये सबका मुझे एक पेस्ट बनाना है। तो दोस्तों, मुझे कुछ खड़े मसाले भी चाहिए डालने के लिए, जो मैंने लिए हैं तेज पत्ता, जीरा, बड़ी इलायची और काली मिरी, चार पांच इसमें हरी इलायची भी चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, आप ज़रूर डाल लेना। तो दोस्तों, मुझे थोड़ा इसमें मखाना चाहिए, ये भी हम फ्राई करके साइड में ही निकाल लेंगे। और मैंने ये लिया है ग्रेवी बनाने के लिए काजू, खोपरा और पौसत, जो मैंने पहले ही भिगा के रख दिए हैं। दोस्तों, जो मैंने कांदा लिया था वो मैंने कट कर लिया है, अभी हम चलते हैं किचन में बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें दो बड़े चम्मच तेल डाला है। अब मैं डाल देती हूँ ये कांदा जो मैंने वॉश करके रखा था। तो दोस्तों, मैं ये गरम मसाले जो मैंने लिए थे खड़े मसाले, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी इसको लाल होने, फ्राई होने तक हमें इसको तलना है। तो दोस्तों, हमारा कांदा हल्का गुलाबी हो गया है, अब इसमें ये मटन डाल देंगे। ये मटन भी हमें हल्का फ्राई करना है। तो दोस्तों, हमारा ये बहुत अच्छे से देखो भुन फ्राई हो गया है। देखो, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने लिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। इसको हमें से मिलाना है, जलाना नहीं है, मिलाकर इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है वो भी इसमें हमें मिलाना है। तो दोस्तों, मैंने पेस्ट बना लिया है, काजू, पौसत, खोपरा, लहसुन, अदरक, सब चीज़ का पेस्ट मैंने एक साथ बना लिया है। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाना है और हमें अच्छे से भूनना है। तो दोस्तों, मैंने इसमें अब 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ गोश्त गलाने के लिए, तो हमारा गोश्त गलता है, इसे हम सीरो गैस पे छोड़ेंगे गैस गोश्त गलने के लिए। मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए सीरो गैस पे छोड़ देती हूँ गोश्त गलने के लिए। तो दोस्तों, मैंने इसे 20 से 25 मिनट तक पकाया है और हमारा गोश्त देखो गल गया है। अभी इसको मैं 15 मिनट और पकाऊंगी सीरो गैस पर, फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये कौरमा रेडी हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, देखो हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। अभी जो मैंने ये मखाने फ्राई किए थे ये भी इसमें डाल देंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसमें कोथमीर डालूंगी। ये देखिए, हमारा कौरमा रेडी है। देखिए, मेरी तरीके से आप बनाइए, बहुत इजी तरीके से मैंने बनाया है। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ कौरमा पसंद आता है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।